हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके मोरल साइंस का फर्स्ट चैप्टर बताने वाली हूँ, जो है द हेयर एंड हिज फ्रेंड्स, यानी कि एक खरगोश और उसके दोस्तों की कहानी। मोरल साइंस में क्या होता है कि जैसा कि इसका नाम है मोरल, है ना, यानी कि इसमें स्टोरीज होते हैं जिन स्टोरीज से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। अ हेयर वॉज वेरी पॉपुलर विद द अदर एनिमल्स इन द नेबरहुड। एक खरगोश था जो अपने आस पड़ोस में बाकी जानवरों के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, ठीक है, यानी फेमस था। ऑल द एनिमल्स क्लेम टू बी हिज फ्रेंड्स। ऑल द एनिमल्स मीन्स जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी जानवर थे, वो सभी के सभी इसके फ्रेंड बनना चाहते थे। कैसे होता है, हमारे स्कूल में या हमारे आसपास कोई काफ़ी ज़्यादा फेमस या पॉपुलर इंसान होता है तो हम सब चाहते हैं कि उससे हमारी दोस्ती हो जाए, है ना। उसी तरह से सारे जानवर इसके दोस्त बनना चाहते थे। वन डे ही हर्ड अ पैक ऑफ वाइल्ड डॉग्स कमिंग। एक दिन इसने सुना कि कुछ डॉग्स का झुंड जो है वो आ रहा है। तो देखते हैं ये क्या करता है। बट ही वॉज श्योर ही वुड एस्केप देम विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। लेकिन इसे पूरी उम्मीद थी कि ये अपने दोस्तों की मदद से उससे बचकर भाग निकलेगा। सो ही वेंट टू द हॉर्स एंड आस्क्ड हिम टू कैरी हिम अवे फ्रॉम द डॉग्स ऑन हिज बैक। इसलिए वो अपने पहले दोस्त यानी कि हॉर्स के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे अपनी पीठ पे बैठा लो और मुझे उन डॉग्स से दूर ले जाओ। बट द हॉर्स रिफ्यूज्ड सेइंग दैट ही हैड एन इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू फॉर हिज मास्टर। लेकिन हॉर्स ये बोलते हुए मना कर देता है कि उसे अपने मालिक के लिए कुछ ज़रूरी काम करना है। द हेयर फेल्ट बैड बट थॉट माई अदर फ्रेंड्स वुड कम टू माई रेस्क्यू। हेयर को काफ़ी बुरा लगता है लेकिन वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो मेरे तो और भी दोस्त हैं तो कोई ना कोई दोस्त ज़रूर मेरी मदद करेगा। ही देन वेंट टू द बुल एंड आस्क्ड हिम टू स्केयर अवे द डॉग्स विथ हिज हॉर्न्स। उसके बाद वो बुल के पास में जाता है और उससे बोलता है कि अपने सींगों से डॉग्स को डरा दो। द बुल रिप्लाइड आई एम वेरी सॉरी माई डियर, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। बुल बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मेरा एक अपॉइंटमेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए जाना होगा। बट आई एम श्योर डैट आवर फ्रेंड डैट द गोट विल डू वॉट यू वॉन्ट। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी तुम चाहते वो हमारा दोस्त गोट जरूर करेगा तुम्हारे लिए। द हेयर अप्रोच्ड द गोट बट द गोट फियर्ड डैट द डॉग्स माइट किल हर टू। उसके बाद हेयर जो है वो डॉग के गोट के पास में जाता है लेकिन गोट बोलती है कि नहीं नहीं, कहीं डॉग्स मुझे भी मार दिए तो ऐसा डरती है वो, डरकर उसे मना कर देती है। देन द हेयर थॉट ऑफ हिज अदर फ्रेंड द शिप। उसके बाद हेयर जो है वो अपने दूसरे दोस्त यानी कि शिप के बारे में सोचता है। ही फेल्ट श्योर डैट द शिप वॉज द राइट फ्रेंड टू आस्क फॉर हेल्प। वो सोचता है कि शिप जो है, भीड़ जो है, वो सही दोस्त है मदद के लिए। सो ही वेंट टू द शिप एंड टोल्ड हिम द केस। उसके बाद वो शिप के पास में जाता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है। द शिप रिप्लाइड अनदर टाइम माई डियर फ्रेंड आई कैन नॉट इंटरफेयर इन द प्रेजेंट सिचुएशन। वो बोलता है कि दूसरी बार मेरे दोस्त, इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। एज डॉग्स आर नोन टू ईट शिप एज वेल एज हेयर्स। क्योंकि जिस तरह से डॉग्स हेयर्स को खाने के लिए जाने जाते हैं, है ना, खरगोश को, उसी तरह से डॉग्स जो है वो शिप को भी यानी कि भेड़ को भी खा जाते हैं। द हेयर फेल्ट वेरी सैड एंड हिज लास्ट होप वॉज अ कार्फ। उसके बाद हेयर को काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी उदास हो जाता है वो, और उसके पास उस एक आखिरी उम्मीद बचता है, वो कौन है, एक काफ। काफ का मतलब गाय का बच्चा या बछड़ा। बट द काफ टू रिफ्यूज टू हेल्प हिम। लेकिन काफ जो है वो भी मना कर देता है हेल्प करने से, एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी डैट सो मेनी अदर एनिमल्स हैड रिफ्यूज टू। इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता है कि, क्योंकि बाकी सारे एनिमल्स मदद से मना किए हैं तो मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा कहकर वो मना कर देता है। बाई दिस टाइम द डॉग्स वर क्वाइट नियर एंड द हेयर टुक टू हिज हील्स एंड एस्केप्ड। लेकिन ऐसा करते करते डॉग्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो हेयर अपने पैरों का हेल्प लेता है और भाग जाता है और किस्मत से वो बच भी जाता है। तो हमारा मोरल है, वन हु हैज़ मेनी फ्रेंड्स हैज़ नो फ्रेंड्स। जिन लोगों के पास में कई सारे दोस्त होते हैं ना, उनके असलियत में कोई भी दोस्त नहीं होता है। जैसे हमारा ये हेयर है, इसके ढेर सारे फ्रेंड्स थे, है ना, सारे लोग इसके फ्रेंड भी बनना चाहते थे, लेकिन जब ज़रूरत का वक्त आया, मदद का वक्त आया, तो कोई भी इसकी मदद नहीं किया, ठीक है। तो यही अगर हेयर किसी एक को अपना खास दोस्त बनाता, किसी एक पे भरोसा बनाता, किसी एक पे भरोसा करता, तो शायद वो एक इंसान इसकी मदद ज़रूर करता, एक इसका दोस्त ज़रूर मदद करता। लेकिन ये कई सारे जानवरों को अपना दोस्त बना दिया और सारे लोगों को, मतलब
अपना समय देता था, ठीक है। इसलिए किसी भी जानवर से इसका खास रिश्ता नहीं बना। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिसके ढेर सारे फ्रेंड्स होते हैं उन्हीं लोगों के फ्रेंड्स सच्चे होते हैं। आप अगर एक दोस्त भी बनाओगे, उनके साथ में सच्चा रिश्ता निभाओगे, तो आपका वो एक दोस्त भी 100 फ्रेंड्स के बराबर होता है। समझ गए बच्चों? ओके, हैव अ गुड डे।